In one of the toughest battles of Haryana, taking on to the veteran Raghvendra Singh, and is contesting from the biggest segment of peace, Achapur. Today, we have with us Vardhan Yadav, who's youth leader of Congress, and out to address the concerns and aspirations of New Burdwan, the urban, uh, the urban part of the city. So, Vardhan this is your first election.

इस बात को समझता भी हूँ जानता भी हूँ और बोलता भी हूँ कि चुनौती बहुत अच्छी चुनौती है जो सामने प्रत्याशी हैं उनका एक राजनीतिक इतिहास है ही बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल फैमिली उनके परिवार में एम मंत्री पहले दो तीन पीढ़ियों से लोग रह चुके हैं बट वर्धन यादव लाइक यू टोल्ड इज अ वेरी नॉन पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड पर्सन यू आर कॉमन मैन कॉमन मैन आई एम वन ऑफ द फाइव फ्लैक्स सेवेंटीन थाउजेंड वोटर्स इन माई कॉन्स्टेंसी मेरी सात पीढ़ियों में भी किसी ने आज तक सरपंच पंच तक का चुनाव नहीं लड़ा बट द मेजर थिंग इज इन इन दिस इलेक्शन इज लोग चाहते हैं कि उनके बीच का व्यक्ति अब प्रतिनिधि बनकर के हमारे बीच में आए वो राजा महाराजा लेगेसी पीढ़ियाँ राजनीति में अब शायद मुझे ऐसा लगता है इस इलेक्शन में उतरने के बाद एक ज़बरदस्त चेंज है ग्राउंड पे एक कॉमन मैन को जब चुनाव की कमान दी जाती है कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति को जिसकी कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड ना हो हरियाणा की सबसे बड़ी कॉन्स्टेंसी में सबसे यंग कैंडिडेट के तौर पर मुझे जिया और आई एम हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंट देर इज एंटी इनकम्पेंसी सरकार के खिलाफ भी कैंडिडेट के खिलाफ भी सो दिस इज वट

ये ज़रूर हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल फैमिली होती है तो कोशिश होती है कि नेक्स्ट जनरेशन को भी जनता की सेवा के लिए लगाएँ एक बार आप मौका दे सकते हैं दो बार दे सकते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति चार पाँच छः बार एम बन रहा है बहुत कम एज में तो इसका मतलब उसकी क्वालिटी है उसकी लीडरशिप क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं इस बार का जो इलेक्शन है कांग्रेस पार्टी चाहती तो बादशाहपुर से भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कर सकती थी बहुत फैमिलीज़ हैं बहुत पुरानी पुरानी फैमिलीज हैं जो राजनीति में है हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में बट दीपेंद्र जी ने कोशिश की कि इस बार नॉन पॉलिटिकल फैमिली के युवाओं को मौका दें नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल युवाओं को मौका दें साधारण किसान परिवार के बच्चों को क्योंकि हमारी जो ज़मीन जमी, है वो जय जवान जय किसान की ज़मीन है तो किसान परिवार के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बार टिकटें दी और जितना मैं मैंने एनालिसिस किया आउट ऑफ नाइन्टी

अब काफ़ी सारी कंपनीज भी हैं ये एरिया रियल एस्टेट में भी शायद सबसे आगे है राइट right. तो इसका इतना बुरा हाल क्यों देखिए इसका बुरा हाल पुअर प्लानिंग में समझता हूँ और पॉलिसीज जो सरकार लेकर के आई दस साल में जिसकी वजह से हमारा ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट एकदम डिजास्टर बनता गया आई अग्री विद यू ओनली वन डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टीब्यूटी फाइव टू सेवेंटी परसेंट ऑफ द रेवेन्यू इन हरियाणा जी डी पी लेकिन पिछले दस सालों में क्या हुआ गवर्नमेंट ने बिल्डर्स को इतने लाइसेंस दे दिए डेंसिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट की इतनी ज़्यादा बढ़ा दी स्टिल प्लस फोर जैसी पॉलिसीज लेकर के आ गए डेंसिटी तो बढ़ती गई पॉपुलेशन बढ़ती गई स्टेट में माइग्रेशन पूरे देश से होती गई बिकॉज ऑफ आई सेक्टर बिकॉज ऑफ मिलिनम सिटी बट उसके हिसाब से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग नहीं की तो अच्छी अगर प्लानिंग की जाती तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता yeah. so basically, planning उसका हो रहा है कि वो यहाँ बट सरकार का इसमें क्या बात बीजेपी का क्या सरकार ही प्लानिंग करती है मैडम एडमिनिस्ट्रेशन तो उसको फॉलो करती है लाइसेंस तो गवर्नमेंट ही देगी ना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको फॉलो करने का कर। उससे भी बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये हुई कि दस साल की जो लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में ऐसा हमने कहीं नहीं देखा कि चुनाव से तीन महीने चार महीने पहले मुख्यमंत्री बदल दिए गए इसका मतलब जो साढ़े नौ साल की खट्टर गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी थी वो नायब सिंह सैनी जी के ऊपर थोपना चाहते थे कि कल कल को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा जिसमें वो बुरी तरह से पिछड़े वाले हैं तो उसका पूरा जो ठीक है वो इस व्यक्ति के ऊपर फोड़ना था इसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री बनाया छः महीने पहले वो गठबंधन तोड़ते हैं और अब उधर भी सी ये कहते हैं कि शहर का बुरा हाल है जे के कारण और अब सब के कारण आपने क्या है इनकी बताया देखिए हाँ इसके अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है इसके अलावा वो मुझे लगता है कि कुछ कह नहीं सकते हैं ये तो सिर्फ एक जे के ऊपर खीकरा पुरने वाली बात है सरकार में गठबंधन दोनों दोनों पार्टी के नेताओं की सहमति से हुआ था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो लोग लेकर के आना चाहते थे अगर ऐसी बात थी तो वो एक साल डेढ़ साल में भी गठबंधन टूट सकता था क्यों उनको साढ़े चार साल चलाना पड़ा ताकि जेजेपी अपना ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और भारतीय जनता पार्टी अपना ब्लेम जेजेपी जेजेपी पर हारा तो आरडी एंड थ्री वोटर है वोटर डेफिनेटली एग्री विद मी तो हरियाणा तो के, के साथ हरियाणा के साथ हरियाणा के वोटर के साथ बहुत जबरदस्त धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है दोनों पार्टीज ने किया है तभी आप देखेंगे जेजेपी के दस एम में से वैनिश हो गई पार्टी कंप्लीटली वैनिश्ड भारतीय जनता पार्टी के पिछले दो सालों में पचास से ज्यादा एम एक्स एम मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन में पता नहीं कितने लोग कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं क्योंकि जो लोग लोगों की आशाएं अपेक्षाएं थी ये सरकार उस पर बिल्कुल विफल रही है आपको लगता है ये लोग लोगों की आशाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस में आए कि कांग्रेस की एक दस साल बाद एक चलो एक, एक लग रहा एक वेव है कि लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म किया एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्म किया इसलिए आए हैं कांग्रेस दोनों चीजें हैं मुझे लगता है पहली चीज तो कांग्रेस पार्टी ने एज ए ऑपोजिशन बहुत अच्छा किया जो श्री राहुल गांधी जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने के जी ने कांग्रेस पार्टी को जो लीडरशिप में एक विश्वास दिखाया हरियाणा में जिसमें उदय महान जी की अध्यक्षता और भूपेंद्र गुड्डा जी की एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन पाँच साल कांग्रेस पार्टी एज अ ऑपोजिशन का बहुत अच्छा रोल प्ले किया जिससे आज पूरे देश में तो माहौल बन ही रहा है लेकिन स्पेसिफिकली हरियाणा में छत्तीस बिरादरी का हर वर्ग का व्यक्ति बोल रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो पूर्ण रूप से मैं सहमत हूं कि वो लोग लो के के लो फुलफिल नहीं कर पाए इस पार्टी में तो उनको भी एक चेंज चाहिए हम इस में आपका जो कैंपेनिंग है वो बहुत डिफरेंट है आप क्लाउड किचन में जा रहे हो डिलीवरी बॉयज को मिल रहे हो आईटी प्रोफेशनल्स को मिल रहे हो

वेरी बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन फूड इंडस्ट्री 2019 में जो 400 मिलियन डॉलर का एक क्लाउड किचन का पूरा सिस्टम था आज वो 2024 तक आते आते 5 बिलियन डॉलर्स का हो गया बहुत अच्छा स्टार्टअप है आई कम्प्लीटली सपोर्ट द स्टार्टअप और बींग अ अंग कैंडिडेट ऑफ थर्टी थ्री ईयर्स ऑफ एज मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को मैं टारगेट करूँ हरियाणा की हमारी भूमि खिलाड़ियों की भी भूमि है अगर आप एक सर्वे करके देखें तो पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े गेम्स होते हैं कॉमनवेल्थ एशिया गेम्स ओलंपिक गेम्स देश के जितने मेडल आते हैं उसमें 60-65 मेडल्स खाली हरियाणा लेकर के आता है 60-65 परसेंट तो हमारी खिलाड़ियों की भी भूमि है जवानों की भी भूमि है किसान की भी 60 -65 मैक्सिमम तो देशवादी एरिया के पास बादशाह के पास कितने बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज अगर अच्छी फैसिलिटीज हमें मिलें बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा आप ये बताइए पिछले दस सालों में एक भी खेल का स्टेडियम क्यों हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में नहीं बन पाया इवन आफ्टर गिविंग सेवेंटी परसेंट ऑफ रेवेन्यू एक भी खेल का स्टेडियम नहीं तो अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी प्लेटफॉर्म मिलेंगे तो यहाँ के बच्चे भी हमारे सक्षम हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे आपको लगता है जैसे खट्टर जी ने एक नारा दिया था सिंगापुर और हरियाणा बना देंगे गुड़गांव बन गया सिंगापुर तो नहीं बनाए लेकिन वेनेस बना थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो हमें बिना बोट्स के हम गुड़गांव में नहीं निकल सकते गाड़ियों में बसेस में टू व्हीलर्स पर निकलना ही मुश्किल है तो जैसे वेनेस में आसपास की जो जो बहुत अच्छी नदियाँ वहाँ से निकलती हैं उस तरह से मुझे लगता है कि इस सरकार ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है कि आज रोड पर निकलना गुड़गांव वासी के लिए बहुत मुश्किल हो सर गुड़गांव जो है इट्स इट्स कि हम इलेक्शंस में वोट भी no road, no road. ये वोट वोट नहीं देंगे देयर इज नो ये ये हमें पता नहीं सर आप इस हालात को बदल सकता देखिए मैं जब भी सेक्टर्स में सोसाइटीज में हाई राइजेस में जा रहा हूं तो उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 5 साल आप क्वेश्चन तभी कर सकते हैं आप 5 साल किसी व्यक्ति को जब तक रिस्पांसिबिलिटी नहीं देंगे तब तक आप उसकी अकाउंटेबिलिटी भी तय नहीं कर सकते तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप वोट जरूर कीजिए हर एक व्यक्ति को अपने बीच में बुलाइए उसका मैनिफेस्टो क्या है उसका एजेंडा क्या है पांच साल का उसका विजन क्या है उससे एक प्रॉपर कंप्लीट कम्युनिकेशन कीजिए अगर आपको सही व्यक्ति मिले तो आप उसको वोट कीजिए बट वोट या तो वॉट इज दैट के वादे बहुत हैं बीजेपी कह रही है तीसरा चांस देके देखो हम कर देंगे इंडिपेंडेंस कह रहे हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज बेकार मेरी कॉन्स्टेंसी बहुत बहुत डिफरेंट कॉन्स्टेंसी है अर्बन वोटर्स भी हैं रूरल वोटर्स भी हैं अनऑथराइज कॉलोनीज भी हैं जिसका शेयर प्रपोर्शनेट है तीनों का तो जब मैं अर्बन वोटर्स में जाता हूं तो मेजरली चार चीज़ों के ऊपर बात करता हूं नंबर वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी सड़कें हों अच्छी सर्विस लेंस हो सिविर और ड्रेनेज सिस्टम समय से उनके टेंडर लगें उनको टाइमली क्लीन किया जाए ताकि मानसून में दिक्कत ना आए सेकेंड वी आर टारगेटिंग द ट्रैफिक मैनेजमेंट जो मिस मैनेजमेंट हो गया हमारे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक का उसको आज सही तरीके से बदलने की ज़रूरत है और मुझे ये लगता है कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि कोविड के समय में हमने वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया चाहे मजबूरी में किया होगा लेकिन ठीक ठाक वो मुझे लगता है कि उसका फल हमें मिला गुड़गांव में कुछ कमियां भी रही होंगी जिनके ऊपर दैट इज अ डिबेटेबल टॉपिक उस पर डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन उससे ट्रैफिक बहुत कम हुआ जितनी भी एम कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी उनके एक्सपेंसिस कम हुए और एनवायरमेंट के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ा तो पहली चीज़ तो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी अगर हमें ट्रैफिक को कंट्रोल करना है दूसरी चीज़ जैसे दिल्ली में हमने ऑड इवन की पॉलिसी लेकर किया है लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा अगर अच्छी मेट्रो कनेक्टिविटी है वेवर यू गो आई हैव बीन इन लंडन फॉर मेनी मंथ्स लंडन की जो ट्यूब है आपको पूरे लंडन के अंदर जहाँ भी आप ट्यूब से उतरते हैं वहाँ के एम भी पार्लियामेंट ट्यूब से जाते हैं बिकॉज़ पार्लियामेंट के नीचे उनका मेट्रो स्टेशन है किसी भी ट्यूब से आप बाहर निकलते हैं उसके सौ कदम बाद आपको दूसरी ट्यूब वहाँ से मिल जाती है तो अगर अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा तभी हम लोगों को इस तरह की पॉलिसीज़ के लिए ऑडिविन की पॉलिसीज़ के लिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनक्रेज करने के लिए कोशिश कर सकते हैं सो ट्रैफिक मैनेजमेंट इज़ अ सेकेंड थिंग थर्ड थिंग इज एनवायरमेंट अभी भी अगर आप अगर अपना फ़ोन खोल करके देखेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इज़ मोर देन 350 और मे बी फोर तो एनवायरमेंट की एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक ही लाइफ है हमारी गुड़गांव की वो अरावली है उसको भी ये सरकार प्रोटेक्ट नहीं कर रही अवरा अरावली के ऊपर भी लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं अगर उसको हमने ख़त्म कर दिया तो गुड़गांव की क्या हालात होंगे हम समझ भी नहीं सकते सोच भी नहीं सकते ग्रीन बेल्ट को मेंटेन नहीं किया जा रहा जहां प्राइवेट बिल्डर है वहां तो मेंटेन हो रही है लेकिन जो सर्विस लेंस हैं हाईवेज़ की ग्रीन बेल्ट है उसको अभी भी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे तो अच्छा एनवायरमेंट फ्रेंडली मुझे लगता है कि माहौल गुड़गांव में हमें बनाना चाहिए इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट इशू वुमेन सेफ्टी का है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सुमेधा जी आज जो फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनीज हम गुड़गांव में देखते हैं आप देखिए नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर नोएडा का स्पेस सड़कें एवरीथिंग हमारे से बेटर है बट ये सब फॉर्चून फाइव हंड्रेड कंपनीज का गुड़गांव में आने का एक ही मकसद था लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी थी लेकिन आज के दिन उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी होती जा रही प्रॉपर सी सी टी वी कैमरेज नहीं हैं हाईवेज़ पर पुलिस बूथ्स नहीं हैं पेट्रोलिंग नहीं है सो सेफ्टी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना एंड एनक्रोचमेंट बड़ी बड़ी सोसाइटी में लोगों ने दो दो करोड़ तीन तीन करोड़ के फ्लैट्स ले लिए लेकिन उनकी सोसाइटीज़ के आसपास बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है वो भी एक बहुत बड़ा इशू तो ये अर्बन सेक्टर के हमारे मेन इशूज़ हैं जब हम गाँव में जाते हैं तो गाँव में शिक्षा स्वास्थ्य रोज़गार ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए उनको गाँव की गलियाँ चाहिए सिविल लाइनें ठीक ठाक हों लेकिन सबसे पहले अच्छी एजुकेशन गांव का व्यक्ति मध्यम परिवार का व्यक्ति प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं जाता गवर्नमेंट एजुकेशन अगर अच्छी होगी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होगी और उसको जॉब्स उसकी योग्यता के आधार पर अच्छे मिलेंगे और अच्छे खेल के अवसर मिले अच्छे स्टेडियम्स बने सो दिस इज द स्ट्रेटेजी विच वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन अर्बन एंड रूरल सेक्टर सो बेसिकली वॉट पीपल एक और वो था बर्तन जी अगर कल को कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है

जो साउथ हरियाणा बेल्ट है अहिरवाल वो अहिरवाल जो है सबसे ज़्यादा जवान प्रदेश में देता है देश में भी देता है लेकिन उसके बदले में हमें अग्निवीर मिला चार साल में बच्चे रिटायर होकर के आ रहे हैं ना पेंशन है ना ग्रेटिट्यूड है ना शहीद का दर्जा है अच्छी बली जब पक्की हमारी नौकरी पंद्रह साल की हुआ करती थी उसको तोड़ करके चार साल की नौकरी कर दी आज आप यकीन मानिए सुमेधा जी आप गाँव में जा के देखिए जो बच्चा अग्निवीर के तहत फौज में जाता है उनकी शादियाँ करना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है अगर आप सिर्फ चार साल की सर्विस में हैं तो कोई भी परिवार आपकी से, फ्यूचर सिक्योरिटी तो देखता है ना तो आज उन बच्चों की शादियाँ करना भी बड़ा मुश्किल है पिताजी सेवा कर रहे हैं पिताजी जॉब में हैं लेकिन बच्चा रिटायर होके आ जाए इससे इससे ज़्यादा मतलब क्या अपमान हो सकता है गवर्नमेंट कहती है उसके बाद और रवेन्यूज खुल जाएंगे हां हां। हाँ गवर्नमेंट ने कहा ना बिल्कुल गवर्नमेंट ने हंड्रेड परसेंट बहुत अच्छे रेवेन्यूज बताए हैं क्या रेवेन्यूज़ बताए हैं कि इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चौकीदार की नौकरी दी जाएगी ये इन्हीं के नेता कहते हैं इस तरह के रिवेन्यू प्रॉमिस कर रहे हैं ये लोग बेसिकली यू आर प्रॉमिसिंग बट बदलेंगे कि मेरा प्रयास रहेगा कि गवर्नमेंट को पहले एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम गुड़गांव में आए अच्छी प्लानिंग के साथ आए अभी क्या हो रहा है एक साल डेढ़ साल के लिए टाउन प्लानर आते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं दो साल बाद फिर टाउन टाउन प्लानर आएगा ट्रांसफर हो जाएगा अगर किसी व्यक्ति को आप थोड़ा समय नहीं देंगे प्लानिंग करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए तो कैसे काम कर और हमारे लोकल लीडर्स की कोई कमांड ये दस साल में एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ऑफिसर्स के ऊपर नहीं रही तो मेरी कोशिश होगी कि बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन को बना के गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर के गुड़गांव में एक अच्छी प्लानिंग करें अच्छी पॉलिसीज लेकर के आए और बदलाव की एक शुरुआत तो करें कहीं शुरुआत होनी बहुत इंपॉर्टेंट Uh, वदन जी आई थिंक आप यूट हेड लाइन आई थिंक इवन यू द टिकट आपने एक uh, शिव कथा का ऑर्गेनाइज किया था एंड अराउंड एन अरादर्ड और मोर पीपल हैड देयर और फिर uh, बारिश हुई खैर वो बंद हो गई कथा लेकिन फिर एक नैरेटिव आया कि जी नरबीर जी जो आपके ओपोनेंट है बीजेपी से वो इनसिक्योर हो गए थे तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन किया या अपील किया और उसके बाद उस कथा को बंद कर दिया गया आपने तो और ये आप ही ने कहा है यू हैव टू से देखिए सुमेधा जी क्या हुआ मैंने प्रदीप मिश्रा जी एक बहुत बड़े कथावाचक वाचक के अंतर्राष्ट्रीय कथा के। मैंने उनका समय आज से लगभग डेढ़ साल पहले अपनी कॉन्स्टेंसी के लिए लिया कि मुझे कथा करानी है और फॉर्चुनेटली वो चुनाव के आसपास ही मुझे उनका टाइम मिला मतलब वो पोलिटिकल नहीं पॉलिटिकल नहीं, नहीं था वो डेढ़ साल पहले हमने प्लान किया था बिफोर वन एंड हाफ यस सारी परमिशन्स ली गई अच्छे से जो एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरतें थी कितना उनको टेंट चाहिए कितने सीसीटीवी कैमरास चाहिए कितने सराउंडिंग में गेट्स चाहिए कितने ब्लॉक्स बनाने हैं लोगों की व्यवस्था के लिए पार्किंग बसेस की कहाँ होगी ऑटोस की कहाँ होगी गाड़ियों की कहाँ होगी कितने रोड से जो है हम उसकी कनेक्टिविटी अंदर दे सकते हैं सब कुछ प्लान किया जिसमें मुझे दो महीने लगे पूरी प्लानिंग मैनेजमेंट और लास्ट में जब एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग कमिश्नरेट और एवरी तो उनको लगा कि यार ये बहुत अच्छे से इन्होंने प्लान किया और बहुत बढ़िया ये इवेंट हो सकता है पहले दिन इवेंट हुआ बहुत अच्छा रहा अराउंड 1.25 पॉइंट टू फाइव लाख पीपल ज्वाइंट दूसरे दिन इवेंट हुआ वो दो लाख तक लोग पहुंच गए तो दूसरे दिन क्या होता है लगभग साढ़े छः सात बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के टिकट्स डिक्लेयर हो जाती हैं और वो टिकट्स डिक्लेयर होने के बाद जस्ट आफ्टर 45 50 मिनट्स पूरा गुड़गांव का प्रशासन पंडाल के अंदर आ जाता है मैं भी वहां प्रेजेंट था मेरी पूरी टीम वहां प्रेजेंट थी हज़ारों लोग वहां रुके हुए थे लगभग 35 40,000 लोग वहां पर रुके हुए थे जिनका सुबह का खाना शाम का खाना हमने व्यवस्था कर रही थी और वो टेंट में रुकते हैं वो पंडित जी के जहाँ व्यासपीठ रखा जाता है उसको सामने देख करके सोते हैं वहीं पाठ पूजा करते हैं भजन कीर्तन करते हैं तो एक घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी की टिकट डिक्लेयर होने के बाद हमारे पास ये मैसेज आया पूरा प्रशासन एक बहुत बड़ा चिट्ठा लेकर पहुंचा कि आपकी सारी परमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है आप इस पंडाल को तुरंत निकाल करके फेंक दीजिए और ये जो लोग रुके हैं ये यहाँ पर अनसेफ है इनको निकाल करके कहीं माइग्रेट कर दीजिए कितना बड़ा ब्लंडर है ये बट वो कह रहे हैं उस दिन बारिश बहुत हो गई थी वहाँ मिसमैनेजमेंट थी वो वो व्हाट्सएप करते हैं आप किसी बंदे का वो दिखा रहे है उसको मंच तो मैनेजमेंट बंद देखिए पहली बात तो मैंने उनका नाम नहीं लिया आज तक कभी कि, कि किसकी वजह से बंद हुई मैंने सिर्फ लोगों को, तो को तो कहा तो मैंने सिर्फ लोगों को कहा कि आपको एनालिसिस करना है आपको सोचना है कि ऐसा क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की टिकट्स डिक्लेयर होने के एक घंटे बाद प्रशासन ने नोटिस नोटिस देकर के सभी परमिशन को कैंसिल कर दिया लोगों ने अपने पॉलिटिकल थॉट सिस्टम से निकाला कि शायद ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने ये किया होगा मे बी उनकी हिस्ट्री ऐसी है कि इस तरह का काम उन्होंने पहले भी किए होंगे मैंने कभी उनका नाम नहीं लिया मेरे परिवार ने उनका नाम नहीं लिया उन्होंने पब्लिक मीटिंग में बोला कि भैया मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया यानी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं तो सोच थी ऐसी नहीं तो उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ती आप तो नहीं कह रहे हैं दाढ़ी में हंड्रेड परसेंट और जिस भी व्यक्ति से आप पूछेंगे एक एक विलेज की बादशाहपुर असेंबली की गुड़गांव की बहुत वहां पर महिलाएं आई एक भी महिला अगर ये बोल दे कि उस पंडाल के अंदर दो दिन के अंदर पानी था हो सकता है बाहर पानी होगा लेकिन पंडाल के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं भर पा वो भी बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद था मैं उनका भक्त हो तो जो भी हुआ जैसा हुआ लेकिन आखिरी के तीन दिन की कथा मैंने अपने घर से संपन्न कराई और मुझे बहुत बढ़िया आशीर्वाद जिस दिन कथा खत्म हुई उससे अगले दिन मुझे टिकट सो दैट इज वर्धन यादव फॉर यू ही स्टार्टिंग इज पॉलिटिकल करियर पर से एंड ही न्यू चेंज फॉर बादशाह लेट सी वट बादशाह